नाम अपना अपना शरीर सिमट का काम है। ये सर है ना फोटो लैके घूम रहे थे अपने महल में, तो फिर मैं इन्होंने पूछा मैं की प्रॉब्लम है, तो ये कहते भी आप प्रॉब्लम करके दो तरीक दिन अपनी कुड़ी गुम हुई है, तो आप कैमरे चेक किए कैमरे में कुड़ी की फोटो नहीं आई। उस तो बाद फिर मैं मीडिया ने फोन किया, उस तो भाजी आए तो सर मंग यही है भी चार दिन हो गए भी बगली की लड़की गुम है, तो बेनती है मीडिया को भी जल्द तो जल्द इन भी जाए। हमारा नाम रीता रानी है। कौन से मोहल्ले से आए हो, क्या मामला पड़ा मुंडिया? जय गुरुदेव नगर गली नंबर 2 मुंडिया कला से हम आए हैं। क्या मामला क्या है मुंडिया चौकी? हमारी लड़की 2 तारीख से लापता है, इसलिए हम थाने में रिपोर्ट 2 तारीख को लिखवाए थे, और क्या कहते हैं अभी तक मेरी लड़की मिली नहीं है। लड़की की उम्र कितनी थी? लड़की की उम्र 13 साल है। क्या लड़की पढ़ती थी, कौन से स्कूल में पढ़ती थी? लड़की हिमगिरी सीनियर सेकेंडरी में स्कूल में पढ़ती थी। वो घर में हमें बोली कि मम्मी मैं किताब क्या कहते हैं किताब लेके आ रही हूँ, तो वो किताब लेने के लिए घर से निकली है 8 बजे, वो चीज़ लेने के लिए घर से निकली है, पर वो घर से वापस नहीं आई। कितने दिन हो गया आज आपसे? आज 5वां रोज हो गया। तो पुलिस आप पुलिस स्टेशन में आए थे तो उन्होंने क्या बोला? सर बोले SO साहब बोले कि हम आपके साथ हैं, वो ढूंढने में हमारी मदद कर रहे हैं, बस हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी लड़की का समा था जो लड़की गई है, कोई उसके काफी में कोई नोटिस वगैरह या कोई ऐसे कोई आपको फोन वगैरह का कोई पता लगा हो कैसे कहाँ गई? नहीं ऐसा कुछ नहीं, लड़की हमारी रात को 8 बजे घर से निकली थी, वो हमारे कमरे में यानी रहती हैं, रिश्तेदार हैं, तो उनको बोली कि हम चीज़ लेके आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, पर वो घर पे उस वापस नहीं आई। फिर जब मैं घर पे वापस आई तो घर में देखा कि मेरी लड़की नहीं है, तो इधर उधर आस पड़ोस में दुकानों पे पता किया, पर हमारी लड़की कहीं नहीं मिली। फिर उसके बाद हमने अपने घर वाले को फ़ोन किया तो वो घर पे आए तो चारों तरफ ढूंढने लग गए, कहीं नहीं मिली। पता लगा कि लड़की चली गई? हम घर पे आए, उन्होंने बोला कि दीक्षा गई हुई चीज़ लेने के लिए, तब जब ढूंढा चारों तरफ नहीं नज़र आई तब हमें पता लगा कि लड़की हमारी लापता हो गई। मेरा नाम सरवण कुमार है जी। क्या मामला मुड़ी चौकी में पहुंची हो? मामला ये है हमारी लड़की है 2 तारीख को रात को 8 बजे गायब हो गई है जी। अच्छा हाँ जी, आपको कैसे पता लगा था अभी आपकी लड़की गायब हो गई है? हमको हमारे घरवाली ने बताया कि हमारी लड़की यानी कि नहीं मिल रही है, आप घर पे सीधा डायरेक्ट चले जाओ। हमने घर पे आया और बाकी बताया कि हम लड़की यानी गायब हो गई है, इस करके हमने हर एक जगह ढूंढा, CCTV कैमरे में चेक करवाए और फिर कैमरे में भी नजर नहीं आई। हाँ जी हाँ जी, यानी कि हमारी घरवाली को छोड़ने जाती थी और छोड़ने जाती थी लेके आती है साथ में हमारे 2 लड़के हैं वो भी साथ में जाते थे। लड़का यानी परेशान करता था यानी 20 दिन पहले उनके यानी कि जब हमारी लड़की हमारे घर वाले साथ में जाने लगी तब फिर वो लड़का नज़र नहीं आने लगा। जब आपको लड़की ने बताया था कि कोई आपको लड़का परेशान कर रहा है उसको, तो आपने कोई पुलिस को सुझाव दिया था? नहीं, पुलिस को सुझाव नहीं दिया था, फिर भी यानी कि हमने यानी कि अपने घर वाले को साथ में भेजते थे यानी इसके साथ जाओ। जब तो जो स्कूल में कुछ बताया था आपने? हाँ जी, स्कूल को स्कूल में परेशान कर रहे हो बच्चे? स्कूल में तो नहीं बताया था, फिर भी स्कूल वाले को सीधा यानी तैनात कर दिया था कि हमारी लड़की की कोई यानी शिकायत हो हमको कंफर्म करो, यानी किसी से भी बात करे हमको कंफर्म करो। उन्होंने यानी बोला चलो कोई बात नहीं हम कंफर्म करेंगे। अब आप इंचार्ज साहब से मिले हो, आपसे उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने हौसला दिया हुआ है कि आपकी लड़की यानी कि हम ढूंढने के लिए मदद कर रहे हैं। तो दीक्षा लड़की घरों बिना दस्से पिछले चल गई है, पिछले 3 दिनों तो असी लड़की के फादर के बयान से मुकदमा दर्ज कर लिया जी, पूरी तफ्तीश कर रहे हैं। हाँ जी सर, किन्नी बजे शामी कहते 8 बजे खेडती गुम हो गई। 13-14 दस दे घर दे। असी हर पहलू से पड़ताल कर रहे हैं जी, तफ्तीश जारी है जी।